अगर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और आप उसको छोड़कर नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करके चिल कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार बन चुके हैं। द एक्शन ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रायोरिटी में फिनिश क्यों नहीं किया जाता। हाउ टू अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन, बट उसके लिए वाई क्लियर होना चाहिए कि हम प्रोक्रास्टिनेशन कर क्यों रहे हैं। हम शायद किसी चीज को करने से डर रहे हैं, फियर ऑफ फेलियर्स, इसीलिए हमारा माइंड बार बार कहता है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या फिर वो काम लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है इसलिए हम लोगों को स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी फील होती है। तो प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड करने के 5 पॉइंट्स बनाए हैं जो मेरे काम आते हैं, आई होप आपके भी काम आए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वो रूटीन। जब कोई काम हम डेली रूटीन में इंक्लूड करते हैं तो उसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाइक जैसे कि हम डेली ब्रश करते हैं तो हम लोग ये नहीं करते, ब्रश कर सोचते हैं कि कल करेंगे या परसों, क्योंकि वो हम लोगों के एक रूटीन में शामिल हो चुका है। तो कोई भी काम लोग डेली रूटीन में इंक्लूड कर लेंगे तो उसको अवॉइड करना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, चूज योर अटायर, ट्रिक योर माइंड। आप शेरवानी पहन के कभी इंटरव्यू देने जाओगे या पजामा पहन के कभी शादी अटेंड करोगे? मोस्टली नो, क्योंकि हमारे माइंड को पता है कि अगर हमने लहंगा पहना है तो हम शादी में ही जाएंगे, और अगर हमने फॉर्मल पहना है तो हम लोग कॉर्पोरेट इंटरव्यू देने ही जाएंगे। साइंस से That the clothes we wear affect our behavior. और अगर आप work from के दौरान productive रहना चाहते हैं तो अपने office formals को work from home के time पहनो and see the difference yourself. Third, set the bar low. Usually हम procrastinate इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हम अपने लिए बड़े बड़े goals set कर लेते हैं unrealistic timelines पर, और अगर हम अपने ही दिए हुए times पर अपने goals को complete नहीं कर पाते हैं तो हम demotivated हो जाते हैं। इसलिए अपने गोल्स को छोटे सेट करना चाहिए। लाइक जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन, तो हम लोग डेली का रखेंगे 20 मिनट मेडिटेशन, तो हम लोग क्या करेंगे दूसरे दिन को कहेंगे कि अब छोड़ते हैं या, तो इसीलिए हम लोगों को पार्ट वाइज छोटे छोटे गोल सेट करने होंगे कि हमें डेली मेडिटेशन करना है लेकिन 2 मिनट डेली, जब हम लोग टू मिनट करेंगे तो फिर उसको बढ़ाते जाएंगे, पहले दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट, चौथे दिन 4 मिनट, इसी प्रकार से हम लोगों को गोल्स अपने सेट करना है। ओके, फोर्थ पॉइंट, गिव योरसेल्फ डेडलाइंस। हमारा माइंड डेडलाइंस को बहुत सीरियसली लेता है। रिसर्चर्स सेज डेडलाइन मेक्स अस मोर प्रोडक्टिव। जैसे हमें ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन मिलती है तो हम लोग उसको अपने टाइम पे कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि हम लोगों को डेडलाइंस मिली है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो मेक श्योर आप उसको एक डेडलाइन दो। ओके, फॉलो पीपल दैट रिमाइंड्स यू ऑफ योर गोल्स। यूजली हम जब प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं तो हम इंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर नेटफ्लिक्स पे चिल कर रहे होते हैं, पर अगर आप ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो करोगे या ऐसी वेब सीरीज देखोगे जिससे आप अपने गोल्स की तरफ रिमाइंडेड रहो तो आप अपना टाइम पास करना छोड़ दोगे और सीधे अपने काम पे लग जाओगे। सो ये थे मेरे 5 पॉइंट जिसको हम फॉलो करते हैं जब हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और हेल्पफुल हो तो जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसे लाने कमेंट करके बताइएगा, वही टॉपिक पर वीडियो लेके आएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।